Today we start question number 5 of exercise 2.5. Now start our question number 5. Find 7 divided by 3.5. अब हमने क्या करना है, 7 को 3.5 से डिवाइड करना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट जो डेसिमल है वो हटा देंगे. तो क्या आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम यहाँ पे 10 लगा देंगे. नेक्स्ट लाइन में ये होल नंबर है, इसके नीचे लगा देंगे 1 और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल. तो क्या आ जाएगा, 7 के टेबल पर 35 कितने नंबर पर जाता है, 5 पर, और 5 के टेबल पर 10 कितने पर जाता है, 2. अब अपने पास क्या बचा है, रिमाइंडर 2 1 2, और नीचे अपने पास 1 है तो 1 नीचे लगाना कंपलसरी नहीं होता है, 2/1 भी लगा सकते हो या 2 भी लिख सकते हो, तो कोई गलती नहीं होगा. नाउ नेक्स्ट वही, अब हम डेसिमल हटाएंगे, जो होल नंबर नीचे 1 लगा दो, 2/ पॉइंट के बाद एक डिजिट हम 10 लगा देंगे. अब हम इनका क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. डिवाइड से जब हम डिवाइडेड के समय हमें रेसिप्रोकल करना होता है और मल्टीप्लाई का साइन लगाना होता है. तो अब हम क्या करेंगे, इनको डिवाइड करेंगे, 2 को जब हम इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 18. तो 18 × 10 = 180, और नीचे अपना 1 बचा है तो 1 लगाना कंपलसरी नहीं होता है, तो हम ऐसे लिख देंगे. नाउ अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों साइड पर डेसिमल है, तो पहले हम दोनों का डेसिमल हटा देंगे, 100 × 5/10. अब जो सेकंड वाला नंबर उसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल करने से पहले हमें कौन सा साइन लगाना है, मल्टीप्लाई का. अब 0 के साथ 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 को इसे डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 × 6 = 30, और 2 रिमाइंडर बचा 25 कितने पर जाएगा, 5 पर. तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, 5 को इसे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 65. और नीचे अपना क्या बचा है, डिनोमिनेटर पर 10. तो जितनी 0 होती है उतनी डिजिट छोड़ के क्या लग जाएगा, 0.11. नाउ नेक्स्ट, अब हम पहले क्या करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट 100 लग जाएगा, और ये 7/10 हो जाएगा. अब हम क्या करेंगे, इसका करेंगे रेसिप्रोकल. तो क्या आ गया, सॉरी, अब इनको हम डिवाइड करेंगे, अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, और कितना आ गया, 2. तो कितना आया अपना, 4 × 4 = 2/10, तो 44.2 आपका आंसर आ गया. नाउ नेक्स्ट, 5/10 / 25/100, 5/10, अब इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, 0 के साथ 0 कैंसिल हो गया, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, तो अपना कितना आ गया, 2 × 1 = 2. देखो 0 के साथ 0 कैंसिल कर दी, यहाँ पे 10 बचा है, तो पहले 5 को इससे कैंसिल करा, 5 बचा, और 5 को इससे कैंसिल कर दिया तो क्या बचा, 2 बचा. तो अपना आंसर कितना आ गया, 2. नाउ नेक्स्ट, डेसिमल हटाया, और इसका भी हमने डेसिमल हटा देना है. अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 100 के साथ 100 कैंसिल हो गया है, और 25 को 7/7 = 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो कितना आ गया, 31 आ गया, 31 आपका आंसर. नाउ नेक्स्ट,